हेलो एवरीवन वेलकम टू टॉपर ब्रेंस आज हम लोग इफ यू थिंक चैप्टर का एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर्स को पूरा देखेंगे एमसीक्यू में पहला एमसीक्यू है अकॉर्डिंग टू द पोएट सक्सेस बिगिंस विद अ फेलोज विल द पोएट सेज दैट वी थिंक हाई टू राइज द पोएट क्लेम्स वी हैव टू बी श्योर ऑफ आवर इन ऑर्डर टू विन प्राइज अकॉर्डिंग टू द पोएट द मैन हु इज़ द मैन हु थिंक्स दे कैन तो अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर को भी स्टार्ट करेंगे इसमें थिंक कैन आंसर भी आपको मिलेगा और वेलवेट आंसर भी आपको मिल जाएगा चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिएगा तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं विच वर्ड इज़ रिपीटेड थ्रू आउट द पोएम थिंक वर्ड थिंक वर्ड इज रिपी थिंक वर्ड इज़ रिपीटेड थ्रू आउट द पोएम अगर सेंटेंस पूछा जाता तो इफ़ यू थिंक लिख सकते थे लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि वर्ड एक वर्ड कौन सा रिपीट हुआ है तो सिर्फ हम लोग थिंक को ही लिए पोएम का और दूसरा क्वेश्चन है वॉट द पोएट से इन द फर्स्ट स्टैंडा ऑफ द पोएम तो पहला स्टैंडा में पोएट क्या कहना चाहता है वो पूछा गया और द पोएट सेट एवरी थिंग दैट आर बेस्ड ऑन आवर थिंकिंग जो कुछ भी होता है वो हमारे थिंकिंग के ऊपर बेस्ड है हम अगर अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है बुरा सोचते हैं तो बुरा होता है इफ़ वी थिंक ऑफ लूजिंग देन वी लूज़ डेफिनेटली अगर हम लोग पहले ही सोच लेते हैं कि हम लोग हम हार जाएंगे मेरे से हो नहीं पाएगा तो हम लोग जरूर हार जाते हैं इट मीन्स ही इज़ टॉकिंग अबाउट सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इसका मतलब है कि पोएट सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बात कर रहा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होने से सब कुछ होगा पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो पॉजिटिव होगा निगेटिव थिंकिंग करेंगे तो निगेटिव होगा अगर पहले ही हार मान लेंगे तो हम लोग जरूर हारेंगे और अगर विश्वास रखेंगे तो जरूर जीतेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री है इट्स ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड इट्स ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड वॉट इज़ द पोएट रेफरिंग टू इन दिस लाइन पोएट इसमें क्या रेफर कर रहा है द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट एवरी थिंग दैट हैपन्स आर बेस्ड ऑन आवर थिंकिंग एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस जो कुछ भी होता है वो हमारे थिंकिंग पे बेस्ड है और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बेस्ड है हमारा कॉन्फिडेंस कितना है इफ़ आवर स्टेट ऑफ माइंड इज पॉजिटिव वी गेट पॉजिटिव रिजल्ट एंड वाइस वर्सा तो अगर हमारा माइंड जो है अगर हमारा सोच हमारा थिंकिंग पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं और अगर हमारा थिंकिंग यहाँ पे वाइस वर्षा मैंने लिखा वाइस वर्षा का मतलब क्या हुआ ये जो बात हमने लिखा इसका उल्टा वाइस वर्षा लिख दिया मतलब इफ़ इफ वी थिंक इफ़ आवर माइंड इज़ नेगेटिव देन वी गेट नेगेटिव रिजल्ट तो उतना एक लाइन ना लिख करके हम यहाँ पे वाइस वर्षा वर्ड यूज़ करते हैं वाइस वर्षा वर्ड का मतलब हुआ निगेटिव मैं सॉरी फाइव वाइस वर्सा वर्ड का मतलब हुआ उसका उल्टा अभी जो हम लोग बात किए पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा और निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव होगा तो वो लास्ट वाला लाइन ना लिख करके हम वाइस वर्षा लिखेंगे तो भी चलेगा ठीक है वाइस वर्षा का मतलब इसका उल्टा ठीक है पॉजिटिव का उल्टा निगेटिव वाला बात वॉट डू वी नीड टू हैव इफ वी एवर विश टू विन अ प्राइज वॉट वी नीड टू हैव हम लोगों के पास क्या होना चाहिए अगर हम प्राइज़ जीतना चाहते हैं तो we have to be sure of ourselves and self confident if we wish to win a prize हम लोगों को अगर कुछ भी प्राइज़ जीतना कुछ भी इनाम जीतना है कुछ भी अचीव करना लाइफ में कुछ भी पाना है हमें अगर लाइफ में तो हम लोगों को अपने आप में भरोसा रखना होगा वी हैव टू बी श्योर आवर श्योर ऑफ़ आवर मतलब हमको खुद पे भरोसा रखना होगा और कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा तभी हम कुछ प्राइज जीत पाएंगे क्वेश्चन नंबर थ्री है ए थ्री में आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है पोएम से और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया इफ यू थिंक यू आर आउटकास्ट यू आर यू आर अगर आप सोचते हो कि आप हरा दिए गए हो तो आप, हा, तो हाँ, आप हरा दिए गए हो यू हैव गॉट टू थिंक हाई टू राइज आपको हाई थिंक करना पड़ेगा लोगों के लिए अच्छा सोचना पड़ेगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे राइज कर पाओगे वट इज द पोएट मीन बाई आउटकास्ट आउटकास्ट वर्ड का पोएट क्या मीनिंग कहता है तो आउटकास्ट का मतलब होता है मीन्स टू बी डिफीटेड बाई सम वन का मतलब किसी से हरा दिया जाना हु इज मच बेटर एट समथिंग देन यू आर और वो वैसे आदमी आपको हरा दिया जो आपसे कोई भी क्षेत्र में बेहतर है कोई क्षेत्र में अच्छा है हो सकता है आप आपको उसने मैथ्स में हरा दिया मैथ्स में आप वो बहुत ज़्यादा नंबर ले आया आपसे मतलब आउटकास्ट का मतलब ही आउटकास्ट यू इन मैथमेटिक्स मतलब वो मैथ्स में आपसे ज़्यादा अच्छा है ठीक है और आपको हरा भी दिया आउट क्लास का मतलब यही हुआ आपको हरा दिया और वो उस क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा है आपसे वर्ड डज द फ्रेज थिंक हाई मीन थिंक हाई का मीनिंग क्या think high का है थिंक हाई का शाब्दिक मीनिंग है थिंक कि हाई का लिटरल मीनिंग है कि किसी के लिए अच्छा सोच रखना थिंक हाई मीन्स टू हैव गुड ओपिनियन अबाउट सम वन किसी के लिए अच्छा सोच रखना और पॉजिटिव सोचना एंड टू थिंक पॉजिटिव आगे बढ़ने के लिए थिंक हाई करना बहुत जरूरी है वाई डज द पोएट थिंक वी मस्ट थिंक हाई टू राइज वाई डज द पोएट थिंक वी मस्ट थिंक हाई टू राइज पोएट ऐसा क्यों सोचता है कि हम लोगों को थिंक हाई करना चाहिए राइज करने के लिए क्यों पोएट ऐसा सोचता है बताओ द पोएट थिंक सो बिकॉज थिंकिंग हाई इज द ओनली वाइज वे थिंकिंग हाई थिंकिंग हाई करने से थिंकिंग हाई करना जो है एकमात्र वाइज वे है वाइज मतलब बुद्धिमान बुद्धिमान तरीका है बाई विच वी कैन गेट सक्सेस जिसके जरिए हम लोग सक्सेस पा सकते हैं एंड राइज इन अवर लाइफ और अपने लाइफ में हम लोग ऊपर उठ सकते हैं मतलब थिंकिंग हाई का मतलब अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि लोगों के लिए अच्छा भाव रखना लोगों के लिए अच्छा सोच रखना और कुछ पॉजिटिव सोचना यही है थिंकिंग हाई का मतलब जब हम लोग ऐसा सोचते हैं तो ये एक बुद्धिमानी वाला बात हुआ वाइज वे ठीक है तभी हम लोग लाइफ में राइज कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू में एक एक्स्ट्रैक्ट है इसको पढ़ते हैं फिर उसके बाद इसका क्वेश्चंस को देखेंगे लाइफ्स बैटल्स डोंट ऑलवेज गो टू द स्ट्रॉन्गर और फास्टर मैन वट द पोएट मीन बाय लाइफ्स बैटल लाइफ का बैटल का मतलब क्या पोइट कहना चाह रहा है लाइफ्स बैटल्स मीन्स द स्ट्रगल्स एंड हार्डशिप्स ऑफ आवर लाइफ विच वी फेस लाइफ में जो हम लोग स्ट्रगल करते हैं और जो हम लोग मुसीबत झेलते हैं हार्डशिप का मतलब मुसीबत झेलना कष्ट झेलना इनको हार्डशिप बोलते हैं तो लाइफ में जो हम लोग कष्ट झेलते हैं मुसीबतों का सामना करते हैं स्ट्रगल करते हैं लाइफ में जूझते हैं कुछ अचीव करने के लिए जो हम लोग फेस करते हैं लाइफ में इसी को तो लाइफ का बैटल कहा जाता, जाता है लाइफ का युद्ध कहा जाता है ज़िंदगी के युद्ध वॉट इज द मीनिंग दैट द पोएट विच टू कन्वे इन दीज लाइन्स तो इसमें क्या मीनिंग है कि पोएट पोएट जो है क्या विश कर रहा है इस लाइन ये जो लाइन है एक्स्ट्रैक्ट है इसमें क्या कन्वे करना चाहता है क्या मैसेज देना चाहता है पोएट द पोएट विशेज टू से दैट द स्ट्रगल्स एंड हार्डशिप्स में कम टू एनी वन एनी पॉइंट पोएट ये कहना चाहता है कि हमारे लाइफ में जो मुसीबत है जो स्ट्रगल है वो कभी भी किसी को भी आ सकता है बट द पर्सन हु इज़ कॉन्फिडेंट अबाउट हीज़ विल पावर विन्स एट द एंड लेकिन वह आदमी जो अपने ऊपर विश्वास रखता है जो कॉन्फिडेंट है खुद पे और अपने विल पावर पे अपने कार्यशैली पे अपने शक्ति पे अपने कैलिबर पे जिसको विश्वास है जिसको अपने दम पर विश्वास है वो ही लास्ट में जीतता है ठीक है तो ऐसा नहीं है कि मुसीबत जो है वो स्ट्रांग आदमी को नहीं आएगा स्ट्रांग आदमी हो चाहे कमज़ोर आदमी हो अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो मुसीबत जो है वो कभी भी किसी को भी आता है लाइफ में और किसी समय आता है वो पता नहीं हम लोगों को लेकिन वही आदमी लाइफ में जीतता है जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंट कॉन अपना विल पावर पे कॉन्फिडेंट होता है ठीक है विल पावर का मतलब क्या होता है कुछ करने का शक्ति जब आपके मन में कुछ करने का इच्छा होता है तभी आप वो चीज़ कर पाते हैं उसी को विल पावर बोलते हैं मतलब तुमको अगर कुछ बनने का विल पावर है तुम्हारे अंदर में तभी तुम बन पाओगे ऐसा बोल सकते हैं डू यू एग्री विद द पोएट वाई और वाई नॉट क्या आप पोएट से एग्री हैं पोएट का बात को आप मानते हैं यस आई एम एग्री विद द पोएट बिकॉज अ पर्सन हु थिंक्स पॉजिटिव एंड वर्क्स हार्ड गेट्स द सक्सेस एट द एंड तो हम मानते हैं ये बात पोएट का सही है क्योंकि वह पर्सन जीतता है जो पॉजिटिव थिंक करता है और हर हार्ड वर्क करता है वही आदमी अंत में जाके सक्सेस पाता है एवरीथिंग दैट हैपेंस आर बेस्ड ऑन अवर थिंकिंग जो कुछ भी होता है वो हमारे थिंकिंग पे बेस्ड होता है हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव ही हो जाएगा इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं थिंक एंड आंसर मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी भी आपने वीडियो को एक लाइक like नहीं दिया है तो ज़रूर कीजिए लाइक like। और दोस्तों को शेयर कीजिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं अंत में प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक like दीजिए तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको जो भी रिक्वायरमेंट है जो भी क्वेरी है वो कमेंट करके जरूर बताइए वॉट इज़ द मैसेज ऑफ़ द पोएम पोएम का क्या मैसेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन यूजिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पोएम द स्ट्रगल्स एंड चैलेंज दैट वी हैव टू फेस एंड ओवरकम सो हैज टू सक्सीड इन लाइफ इज द मेन मैसेज ऑफ द पोएम इस पोएम का मेन मैसेज है कि हम लोग स्ट्रगल करते हैं चैलेंजेस फेस करते हैं लाइफ में मुसीबतों का सामना करते हैं ठीक है और उसको पार करते हैं उससे हम लोग लड़ते हैं उससे हम लोग जूझते हैं मेहनत करते हैं और लाइफ में सक्सेस पाते हैं ठीक है तो मेन मैसेज जो है पोइम का यही है कि लाइफ में हम लोगों का मुसीबत आता है और हम लोग लड़ते हैं जब तब हम लोग सक्सेस पाते हैं पॉजिटिव थिंकिंग ऑलवेज प्रोवाइड पॉजिटिव रिजल्ट एंड वाइस वर्सा पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट हमेशा मिलेगा और वाइस वर्सा मतलब उसका उल्टा मतलब निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव होगा आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस इन आवर लाइफ हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है आत्मविश्वास जो हमारा है वही जो है सक्सेस का रास्ता है डू यू थिंक द पोएम इज़ इंस्पिरेशनल डज इट इंस्पायर यू टू बिलीव इन योर सेल्फ क्या यह पोएम इंस्पिरेशनल है क्या ये आपको डज इट इंस्पायर यू क्या आपको ये इंस्पायर करता है खुद पे विश्वास करने के लिए एक्सप्लेन करना है इसको यस द पोएम इज़ इंस्पिरेशनल इट इंस्पायर्स मी टू बिलीव इन माई सेल्फ ये इंस्पायर करता है कि मैं खुद पे विश्वास करूं एंड इन्हेंसेज माय विल पावर और मेरा जो कार्य क्षमता है मेरा जो कार्य करने का जो विल है मेरा जो मन है उसको बढ़ाता है द पोएट टीचेज अस द मोस्ट वैल्यूबल लेसन ऑफ लाइफ पोएट जो है सबसे जरूरी सबसे कीमती जो लेसन है चैप्टर है hmm. वो हम लोगों को इस पोएम के ज़रिए पढ़ाता है और बताता है कि पॉजिटिव थिंकिंग एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस पॉजिटिव थिंकिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर है तो आप सक्सेस पा सकते हैं उसके बाद वैल्यूएट क्वेश्चन का आंसर मैंने डायरेक्ट लिखा है क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिए प्लीज़ यस इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू मोटिवेट यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मोटिवेट सपोर्ट एंड एनकरेज पीपुल लोगों को मोटिवेट करना चाहिए सपोर्ट करना चाहिए और इनक्रेज करना चाहिए ये बहुत जरूरी है पीपुल आर फेसिंग मैनी ट्रबल्स लोग लाइफ में बहुत सारे ट्रबल्स को फेस कर रहे हैं मुसीबतों को फेस कर रहे हैं पीपुल आर फेसिंग मैनी ट्रबल्स इन लाइफ एंड दे फील डीमोटिवेटेड और वो लोग डीमोटिवेटेड हो जाते हैं मतलब हतोत्साहित हो जाते हैं दुखी हो जाते हैं एट मैनी टाइम्स बहुत सारे समय में सो दे नीड सपोर्ट एंड मोटिवेशन इसीलिए उन लोगों को सपोर्ट चाहिए होता है और मोटिवेशन चाहिए होता है टू गेट पॉजिटिव थिंकिंग विच लीड्स टू सक्सेस पॉजिटिव थिंकिंग पाने के लिए ही सपोर्ट और मोटिवेशन चाहिए होता है ताकि वो लोग सक्सेस पा सके ह्यूमन लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स ह्यूमन का लाइफ में बहुत सारा अप्स आता है और डाउंस आता है ऊंचा नीचा ऐसा लाइफ चलते रहता है सुख दुख आते रहता है हार जीत होते रहता है एंड दे ऑलवेज नीड सपोर्ट एंड एनक्रेजमेंट फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और वो लोग जो हैं जो लाइफ में अप्स एंड डाउंस को देखते हैं झेलते हैं हार और जीत को दुख और सुख को तो उन लोगों को हमेशा सपोर्ट और इंक्रेजमेंट का जरूरत होता है ताकि वो लोग अपना पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट कर पाए तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और जाते जाते लाइक कर दीजिए और एक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सबको हेल्प हो पाए थैंक यू एंड हैव नाइस डे